स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, जिसको लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, मेयर्स ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं, चार लेवल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेंज। जब रिसर्च में आपको डाटा कलेक्शन, डाटा एनालाइज एंड डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हो, तो विदाउट द नॉलेज ऑफ स्केल्स ये कुछ भी नहीं हो सकता। सो स्केल्स हेल्प करते हैं, ये कुछ नहीं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रिसर्चर को डाटा कलेक्ट करने में, डाटा एनालाइज करने में और डाटा को इंटरप्रेट करने में। लोएस्ट लेवल नॉमिनल स्केल है, जो कुछ भी नहीं है, कैटेगरीज है, दो डिवीजन है। कई स्कॉलर रिसर्चर इसको स्केल की कैटेगरी में कई बार रखते भी नहीं है, लेकिन ये आप जब क्लासिफाइंग वेरिएबल करते हो, एग्जांपल इसके सामने है नॉमिनल स्केल की, मेल फीमेल, फॉर एग्जाम्पल आपके इंडस्ट्री में कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, या आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 टीचर मेल हैं, 5 फीमेल हैं, क्लर्क कितने मेल हैं, 3 है जी, ये 0 है, तो इनकी टोटल काउंटिंग होगी। ये जो डिवीज़न ऐसे कैटेगरी करके हम काउंटिंग करते हैं, तो ये नॉमिनल स्केल में कंसिडर किया जाता है। इन स्केल्स को समझने के लिए सिर्फ दो पॉइंट, क्योंकि ये रिमेंबरिंग लेवल की वीडियो है, सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए है, मैंने टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट उठाए हैं, जीरो ऑपरेशन, ठीक है। जीरो सबसे पहले मेरे ख्याल में समझने की ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल से ये क्या होते हैं। ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डर हो जाता है, इससे नेक्स्ट वाला सेकेंड, लोएस्ट से सेकेंड, ओके, लोएस्ट से सेकंड है और अपर से ये थर्ड है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आप एग्जांपल क्या है, रेस आप देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप निकालते हैं, जब रिजल्ट आता है मेरिट लिस्ट बनती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितनी पोजीशन आई है, तो ये पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। ये बात जान लेना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के मार्क्स मैथ्स में से 1 है, दूसरे के 9 है और तीसरे के 10 है, 3 बच्चे हैं, तो ऑर्डिनल स्केल में जो डिस्टेंस है फर्स्ट और सेकंड में और सेकंड और थर्ड में, वो इक्वल जरूरी नहीं है, इक्वल नॉट, ठीक है। दैट इज व्हाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इंटरवल स्केल में मिलेगा, क्योंकि जो 2 और 3 में डिफरेंस है, वही डिफरेंस 3 और 4 में होता है। जब हम एग्जांपल लेते हैं स्ट्रेस की, मैथ स्कोर की, एकेडमिक अचीवमेंट की, ये इंटरवल स्केल है। तो इंटरवल स्केल में 0 जो दिखाई दे रही है, बेसिक है कि 0 ये झूठी है, ट्रू नहीं है, आर्बिट्रेरी जिसको बोलते हैं वो है। जब रेशो स्केल में जाते हैं तो इनके सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मिलेंगे, ये बात याद रखनी है। एग्जांपल वेट की है, हाइट की है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ज़्यादा मेजर होते हैं। वेट किसी का 0 हो सकता है, लेकिन किसी की स्ट्रेस कभी 0 नहीं हो सकती। दैट इज़ वाई अगर 0 स्कोर आपका मैथ्स में आता है, स्ट्रेस में आता है, इसका मतलब 0 नहीं है। इट मीन्स ये 0 जो है आर्बिट्रेरी है, झूठी है। लेकिन रेशियो स्केल में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके भी प्लस एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज व्हाई हाईएस्ट स्केल है, इसमें वेट 0 का मतलब 0 ही होगा, ठीक। वैसे 0 किसको रिप्रेजेंट करती है, एब्सेंट ऑफ समथिंग, यहां एब्सेंट ऑफ समथिंग नहीं है। मेजर डिफरेंस जो सभी स्केल्स में पाए जाते हैं वो ये बेस है कि 0 इज ट्रू और नॉट, जो मैंने पहला पॉइंट बना रखा है। हाइट आप देख सकते हो 0 हो सकती है, 0 का मतलब है कि हाइट नहीं है, ठीक। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई वेरिएबल पूछा हो सकता है कि ये किस स्केल पर मेजर हुआ है, ठीक। तो नेक्स्ट है ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा, अर्थमेटिक ऑपरेशन या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, ठीक। तो नॉमिनल स्केल में अर्थमेटिक ऑपरेशन सिर्फ काउंटिंग होगी, आप काउंट कर सकते हो इतने 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 मेंबर हैं, इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, बस काउंट ऑफ
से इससे अधिक कुछ नहीं। ऑर्डिनल में एडिशनल स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन भी लगेगा, फॉर एग्जांपल मीडियन, मीडियन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है, मन विटने टी टेस्ट है, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन है। अगर ऑर्डिनल स्केल पर आपके पास डाटा है, आपके पास मैथ्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड और साइंस के फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे हैं, तो आप उसका रैंक ऑर्डर कोरिलेशन निकाल सकते हो। आपने मीडियन निकालना है, मीडियन क्या है देखिए, फॉर एग्जांपल मिडल वैल्यू, अगर 1, 9, 10 को ऑर्डर में लगा लिया, ये ऑर्डर में लगी है, मिडल वाली वैल्यू जो है मीडियन है, ऑर्डर में जब लगाएंगे, मान लीजिए इसमें मीडियन क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो मिड वाली वैल्यू है, ठीक, तो मीडियन में भी रैंक यूज हो रहा है। यहाँ पर स्केल रिसर्च में यूज होने स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन जो शुरू हो जाते हैं, यहाँ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन निगलिजिबल है, ठीक, तो यहाँ भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन सभी नहीं अप्लाई हो सकते। फॉर एग्जाम्पल आप टी टेस्ट, अगर रैंक ऑर्डर पर आपके पास डाटा है, आप टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन अप्लाई नहीं कर सकते, आप एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस अप्लाई नहीं कर सकते, मनकोवा मनोवा ये सभी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनको इंटरवल स्केल चाहिए। ये जब आपके पास स्ट्रेस स्कोर है और इंटरवल स्केल पर डाटा है, रैंक में नहीं है डाटा, तो आप ये सारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। ये सारे ऑपरेशन जो है पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाते हैं। जब आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पैरामेट्रिक टेस्ट में मिनिमम स्केल कौन सा चाहिए, तो ये उसका जवाब होगा, अगर चार ऑप्शन दिए गए हैं ये, तो उसका आंसर होगा इंटरवल स्केल, ठीक है। अगर नॉन पैरामेट्रिक आ जाता है, नॉन पैरामेट्रिक आ जाता है, तो मिनिमम ऑर्डिनल स्केल पर चाहिए, ठीक है। नॉमिनल स्केल पर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन निग्लिजिबल है। इसके अलावा ये जानना जरूरी है कि अगर आपके पास डाटा रेशो जहाँ इंटरवल का है, तो उसको आप, उसको आप डाटे को आप रैंक में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और रेशो को भी आप इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हो, रेशो को आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, रेशो को आप नॉमिनल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। ऐसे ही इंटरवल को इसमें और इंटरवल को नॉमिनल में कन्वर्ट कर सकते हो। आप ऑर्डिनल को भी, इसका क्या मतलब बना कि आप लोअर स्केल, हायर स्केल को लोअर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हायर में लोअर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक। ये कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, आप इसकी भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। वेट 5 किलो से अधिक, 5 किलो से कम कैटेगरी होगी, ठीक। ओवरवेट, लोअर वेट, जो रेसलिंग ये वो होती है, वो वेट की कैटेगरी बनाई होती है, रेशो को कन्वर्ट किया होता है। ऐसे ही इंटरवल आप हाई एवरेज लो स्ट्रेस कह सकते हो, मैथ्स के हाई अचीवर लो अचीवर कह सकते हो, ये कैटेगरी बन गई। अच्छा, मैथ्स में आप स्कोर करके रैंक में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसको ऑर्डर में समझना है। दिस इज लोएस्ट स्केल, सेकेंड स्केल, क्योंकि कुछ करेक्टरिस्टिक इसमें ज्यादा हो गए हैं। वो कौन से हैं कि इसमें स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, इसमें स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन अप्लाई वो भी हो जाते हैं जो पैरामेट्रिक टेस्ट के हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं जिसकी कंडीशन जो है, कुछ कंडीशंस मेट होनी चाहिए, तो उसकी एग्जाम्पल क्या है, टी टेस्ट है ना, अनोवा है, अनकोवा है, कोवा है, मन मनोवा है, मनकोवा है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है। ये कॉमन एग्जांपल है, ये 200 से अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ये पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल टी टेस्ट को अगर आपने टी टेस्ट लगाना है, तो आपको किस स्केल पर डाटा चाहिए। अगर आपने मन विटने टी टेस्ट लगाना है, तो आपको किस स्केल पर चाहिए, फिर ऑर्डिनल में चाहिए। अगर आपने अनोवा लगाना है, तो किस स्केल में चाहिए। अगर आपने रैंक ऑर्डर कोरिलेशन लगाना है, तो किस स्केल में चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने
मोस्ट ऑफ द, ये बात जरूरी है कि मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल वेरिएबल जिस पर रिसर्च होती है वो इंटरवल स्केल पर होते हैं, ठीक। तो ये था द बेसिक्स ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। इसके क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत से बन सकते हैं, मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन से और जो स्टैटिस्टिकल सॉरी ऑपरेशन ज़्यादा, अर्थमेटिक फिर भी कम होता है क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है इसमें जमा गुना माइनस है ना तकसीम जो सारा कुछ कर सकते हैं, इसमें आप गुना तकसीम नहीं कर सकते, ठीक। आप ये नहीं कह सकते कि जो ये जो दो मार्क्स आए हैं ये चार मार्क्स आने वाले से दो गुना हैं, ये नहीं कह सकते इसमें, ठीक। और इसमें ये कह सकते हैं कि 2 किलो वेट जो है 4 किलो का आधा है, ये पॉसिबल है। तो ये थी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। कोई भी रिसर्च आप साइंस में हो सोशल साइंस में हो, हाँ लैंग्वेज में ये नहीं अप्लाई होंगे। तो जहाँ भी नंबर आएगा मेजरमेंट मीन MEASURE मेजरमेंट मीन जहाँ भी नंबर आ रहा है, देखिए ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस को आपने स्कोर में कन्वर्ट कर लिया। मैथ्स है, मैथ्स को आपने स्कोर में कन्वर्ट कर लिया। हाइट वेट स्कोर में कन्वर्ट कर लिया। रेस हो रही थी उस क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ये जो स्केल्स हैं इसका लेना देना मेजरमेंट से है, नंबर से है। कुछ रूल्स जिसके बेस पर हम नंबर असाइन करते हैं, वो रूल्स कौन से हैं, ये चार हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।